नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संध्या की रसोई। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मटर की पनीर की सब्ज़ी, मटर पनीर सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लहसुन, लिया है 4-5 हरी मिर्च, लिया है 2 टमाटर, 4 प्याज और थोड़े से अदरक लिया है, और ये पनीर लिया है और मटर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने टमाटर पीस लिया है, अदरक लहसुन को दरदरा कर लिया है और प्याज को भी थोड़ा मोटा ही पीसा है। तो अब चलिए हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। गैस पे रख देंगे कढ़ाई, कढ़ाई गरम हो जाए फिर उसमें डालेंगे तेल, तेल डाल देंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब फिर इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा डाल देंगे और जीरा जब चटकने लगे तो हम डाल देंगे इसमें 2-3 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 23 पत्ता, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और थोड़े से गरम मसाले मैंने रखे थे वो गरम मसाले इसमें डाल देंगे, दालचीनी, लौंग, इलायची यही सब डाल देंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन जो हमने दरदरा कूटा था उसे इसमें डालकर और थोड़ा सुनहरा होने तक इसे चलाएंगे। जब ये थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, देखिए ये हो गया, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने प्याज पीस रखे थे ना उसे डालेंगे और इसे अच्छे अब हम इसे चलाएंगे। प्याज को सुनहरा होने तक हम दोस्तों पकाएंगे, इसे चला चला कर ऐसे पकाएंगे। जब इसे अच्छे से जब तक नहीं भुने तो पनीर का में कच्चापन रहता है मसालों का तो अच्छा नहीं लगता है। इसे बिल्कुल लो मीडियम पे गैस कर और इसे सुनहरा होने तक पकाएंगे, और जब ये तेल छोड़ने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये प्याज जब तक सुनहरा हो रहा है तब तक चलिए हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। आज मैं फ्राई कर पनीर डालूंगी। ये मैंने गैस पे रख दिया पैन, पैन गरम, इसमें डालती हूँ तेल, तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, पनीर को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों पनीर तो तुरंत फ्राई हो जाता है, किसी किसी को बिना फ्राई किए ही पसंद आता है, किसी किसी को फ्राई कर पसंद आता है। तो आप अपने हिसाब से मतलब डाल लीजिएगा, फ्राई करना हो तो करिए, ना करना हो ना करिए, लेकिन आज मैं फ्राई करके बनाऊंगी। मेरे बच्चे फ्राई पनीर ही पसंद करते हैं तो इसलिए मैं आज फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए इसे 2 मिनट तक ऐसे चलाएँगे, उसके बाद ये फ्राई हो जाएगा। तो मटर पनीर तो बहुत टेस्टी होते ही हैं, सबके फेवरेट होते हैं, सब बहुत चाव से खाते हैं इसे। 2 मिनट तक इसे चलाएंगे और ये 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही गैस को रखेंगे और तब फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों अब ये पनीर फ्राई हो चला है, अब हम इसे निकाल लेंगे और अब चलिए हम चलते हैं। अब हमने जो प्याज रखा था अब चलिए प्याज के देख लेते हैं। प्याज हमारा हो गया सुनहरा कलर का, अब हम इसमें डालेंगे, ये प्याज हमारा हो रहा है, अब हम इसमें डाल देंगे, देखिए ये तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने पीस रखे थे ना, अब उसे हम टमाटर को डालेंगे और इसे मिलाएंगे। और टमाटर डालने के बाद दोस्तों प्याज इसमें नमक ज़रूर से डालें, इसमें नमक डालने से टमाटर अपना पानी छोड़ता है और मसाले सही से पक जाते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, ये मैंने डाले नमक,
और नमक डालकर इसे फिर से चलाएंगे और इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे मसाले का ये टमाटर, ताकि अच्छे से पक जाए, टमाटर कच्चा ना रहे। तो देखिए इसे हम भूनकर दिखाते हैं। अब देखिए हमारे ये प्याज और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें अब डालेंगे थोड़े से मसाले, जो हमने मसाले रखे हैं ना, वही, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़े से मसाले डालेंगे। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये है धनिया पाउडर, मैंने थोड़े से लिए हैं धनिया पाउडर, और अब डालूंगी ये थोड़े से हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर थोड़े से। उसके बाद मैंने लिए हैं ये पनीर मसाला है, 1 चम्मच पनीर मसाला, और इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसमें थोड़े से हल्के से डालेंगे पानी, पानी डालकर मसाले ना अच्छे से पक जाते हैं, तो इसमें हल्के से पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे ऐसे। देखिए ये जब पक जाए अच्छे से, तो ये जब पक जाते हैं तो कढ़ाई से तेल छोड़ने लगते हैं खुद ब खुद। और ये मैंने थोड़े से लिए हैं गरम मसाले, गरम मसाले डालूंगी। गरम मसाले डाल दिए हमने और इसे थोड़े देर 2 मिनट तक चलाएंगे। उसके बाद ये मसाले बिल्कुल पक जाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे, ये देखिए मसाले बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर, जो हमने मटर रखे थे ना, अब हम उसे डालकर और इसे पकाएंगे। मैंने मटर को उबाले नहीं थे, ये कच्चे मटर थे, तो इसे थोड़े देर पकाएंगे। तो ये हमने डाले मटर और इसे हम थोड़ी देर ढक ढक कर पका लेंगे। देखिए दोस्तों मटर को पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे ही, इसे अच्छे से ढक ढक कर पका लेंगे। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और थोड़ा देर इसे पकने दूंगी, पक जाए उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मटर, ये मटर अब पक गए होंगे। अब मैं इसे चला लेती हूँ, इसे अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से इसे चलाएंगे और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। दोस्तों मैं इसमें डालूंगी दूध, आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। 1 गिलास मैंने लिया है दूध और इसमें 1 गिलास मैं डालूंगी पानी, क्योंकि मैंने 1 ही गिलास दूध डाले हैं, तो 1 गिलास इसमें डालूंगी मैं पानी। दूध डालकर इसे चलाते रहेंगे ताकि दूध फटे ना। तो इसमें अब मैं डालूंगी पानी, पानी डालूंगी 1 गिलास और इसके बाद फिर इसे चलाएंगे। ये देखिए इसे चलाएंगे और थोड़ी देर चलाएंगे इसे। दोस्तों मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें और डालूंगी थोड़ा पानी, इसे थोड़ा और पानी डालेंगे, क्योंकि ये उबलेगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ और पानी। और उसके बाद इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। ये देखिए अब इसमें उबाल आने दे रही हूँ, उसके बाद हम इसमें पनीर को डालेंगे। देखिए दोस्तों इसमें आ गया उबाल, अब हम इसमें डालेंगे पनीर को, पनीर को डाल देंगे और इसे ढक देंगे, ढककर 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ये मैं डाल रही पनीर, पनीर को डालकर और इसे अच्छे से चला लेंगे।
देखिए मैंने पनीर डाले और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसे इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट पक जाए उसके बाद पनीर रेडी हो जाएगा। दो तीन मिनट हो गए हैं, अब देखिए ये पनीर कितना अच्छा बना है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इतनी अच्छी कलर आई है ना इसकी। देखिए धनिया पत्ती, मैंने धनिया पत्ती थोड़ी सी काट रखी है उसे मैं डाल दूंगी। ये देखिए और ये हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी कलर आई।